हाँ बलराम, जाओ पूजा के लिए फल तोड़ लाओ। अभी लाता हूँ मैया। मैया को पहले फल मैं दूंगा। इस फल को सबसे पहले मैंने देखा था ताऊ। हाँ, परंतु तोड़ा तो मैंने है। ये लो मैया। अरे अरे, इस फल में तो कीड़े लग गए हैं। हाँ हाँ, कोई दूसरा फल ले लो। अरे कल तक तो सारे फल अच्छे थे, अचानक सारे फल कैसे सड़ गए? हाँ, बड़ी ही विचित्र बात है। हाँ मैया, मिट्टी का रंग भी कुछ भिन्न प्रतीत हो रहा है। हाँ? हम पूजा हेतु कहीं और से फल ले आते हैं मैया। हाँ कान्हा, यहाँ तो सभी वृक्षों के फल सड़ चुके हैं और वातावरण भी कुछ दूषित प्रतीत हो रहा है दाऊ। हाँ? हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा दाऊ। हमें बाबा को सूचित करना चाहिए। है? लगता है नाव किसी बड़े पत्थर से टकरा गई है। अनाज सड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। भला ये कैसी विपदा आन पड़ी है हम पर? बचाओ, बचाओ! यमुना में दानव है। क्या? क्या? वो सबको खा जाएगा। उस दानव के आतंक से सभी जलीय जीव यमुना छोड़ भाग रहे हैं। हाँ? अरे हमारे मित्रगण तो यमुना तट स्नान के लिए गए हैं। क्या? नहीं लल्ला, वहाँ मत जाओ। देखना, सबसे लंबी छलांग मैं लगाऊंगा। पर मुझसे लंबी नहीं सुदामा। तो ये तुम्हारा किया धरा है? कौन हो तुम? मैं नागराज कालिया हूँ। समस्त विश्व में सबसे विषैला पत्थर को भी विष से कर दूं नीला। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। अब से ये नदी ही मेरा घर है, और जो मेरे घर के भीतर आएगा वो मेरे विष के प्रकोप से बच नहीं पाएगा। कान्हा ने हमारे प्राण बचाने हेतु अपने प्राण संकट में डाल लिए। बहुत हो गई गिनती, अब तुम गिनोगे अपनी उल्टी गिनती नागराज कालिया। इतना विशाल नाग बस दो चार घूसों में ही ढेर हो गया। हाँ?
तुम लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, शीघ्र करो, भागो। नागराज कालिया, कोई नहीं बचेगा। तो जहरीला धुआं लगता है, भागो। तुम्हारा अंत आ गया बालक। उद्दंड बालक कहाँ गया, कहाँ गया वो? लगता है अपनी पराजय स्वीकार कर भाग गया वो बालक। कालिया, अब अपने अंत से मिलने के लिए तत्पर रहो। क्षमा कर दो कृष्णा, हम तीनों इनकी धर्म पत्नियां हैं। तुम कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकते। मुझे अपने सत्य स्वरूप से अवगत कराओ। नंदगांव को हानि पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम तो गरुड़ा से बचने के लिए यहाँ छुपे हुए थे। नागराज ज्ञात रहे अपने परिवार की रक्षा करना उचित है, किंतु अपने कृत्यों से किसी अन्य को हानि पहुंचाना कदापि उचित नहीं। तुम्हारे विष से समस्त नंदगांव त्रस्त है। मैं दोषी हूँ प्रभु, मुझे दंड दे। नागराज कालिया, तुम्हें तुम्हारे अपराधों का बोध होना ही तुम्हारी क्षमा है। अब तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। परंतु गरुड़ा का क्या प्रभु, अगर यहाँ से निकले तो वो हमारे प्राण ले लेंगे। निश्चिंत रहे नागराज, अब आपको मेरा संरक्षण प्राप्त है। Thank you.
मेरे लल्ला, तुम ठीक तो हो? और वो नाग? मैया, कालिया नाग तो अपने घर प्रस्थान कर गए, अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। नंदगांव में जीवन फिर से लौट आया है।